हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया की एक ऐसी जगह के बारे में जहाँ की लाशों को सड़ने के लिए रख दिया जाता है। अब ऐसा क्यों किया जाता है ये तो आपको वीडियो में आगे चलकर पता चल ही जाएगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की ओर। दोस्तों, दुनिया भर में अलग अलग तरह के एंथ्रोपोलॉजी फॉरेंसिक सेंटर होते हैं जहाँ इंसान के शरीर के साथ अलग अलग तरह के प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन टेक्सास के फ्रीमैन रेंज में बने फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी सेंटर का माहौल बड़ा ही विभत्स है, क्योंकि यहाँ पर जगह जगह इंसानों की नग्न लाशें सड़ने के लिए रखी हैं। ये है टेक्सास स्टेट यूनिवर्सिटी का फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी सेंटर। दोस्तों, इस बॉडी फार्म में अध्ययन के लिए लाशें दान में आती है। बॉडी फार्म में लाशें डोनेट करने वालों में आम इंसान से लेकर यहाँ पर रिसर्च करने वाले लोग तक शामिल हैं। इस बॉडी फार्म में हर तरह की लाश स्वीकार की जाती है, लेकिन उस डेड बॉडी का वजन 500 पाउंड से कम होना चाहिए तथा उस मृत व्यक्ति को कोई संक्रमण बीमारी नहीं होनी चाहिए। खुले में रख दिया जाता है ऐसी लाशों को। फार्म में कुछ डेड बॉडीज बिल्कुल न्यूड रखे जाते हैं, जबकि कुछ को खुले आसमान के नीचे ही कवर करके रखा जाता है। बहुत सारी डेड बॉडीज़ को जानवरों से कोई नुकसान ना पहुंचे, इसलिए उन्हें जालियों से ढककर रखा जाता है, जबकि कई डेड बॉडीज़ को खुला ही रखा जाता है, जिससे कि गिद्ध आदि जानवर नुकसान पहुँचाते हैं। ऐसा अलग अलग स्थितियों में शवों की डिकम्पोजिंग समझने के लिए किया जाता है। इस फार्म की निगरानी हाई क्वालिटी सिक्योरिटी सिस्टम के जरिए की जाती है। जब यहाँ कोई नई डेड बॉडी पहुँचती है तो सबसे पहले उसे बॉडी फार्म में बनी लैब में लेकर जाते हैं, जहाँ पर उस डेड बॉडी का नाप जोख किया जाता है। ब्लड सैंपल, हेयर सैंपल और उसके फोटोग्राफ्स लिए जाते हैं। इसके बाद उसे एक पहचान नंबर देकर फार्म में खुले में रख दिया जाता है। फार्म में कुछ डेड बॉडीज बिल्कुल न्यूड रखे जाते हैं, जबकि कुछ को खुले आसमान के नीचे ही कवर करके रखा जाता है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया। दोस्तों लाशों की डिकम्पोजिंग का होता है यहाँ पे अध्ययन। दुनिया में अपने तरह का अनूठा एंथ्रोपोलॉजी फॉरेंसिक सेंटर टेक्सास में सैन मार्कोस से 7 मील उत्तर पश्चिम में है। यह खुली प्रयोगशाला 16 एकड़ क्षेत्र में फैली है। इस खुली प्रयोगशाला में लाशों के नष्ट होने की प्रक्रिया यानी डिकम्पोजिंग, बैक्टीरियल इन्फेक्ट्स और दूसरे तरह की स्टडी की जाती है। यहाँ अलग अलग मौसमों के दौरान स्टूडेंट्स डेड बॉडीज के डिकम्पोजिंग का अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियोज़ में कुछ ऐसे ही फैक्ट्स के साथ, क्योंकि इतने लाइक्स में तो इतना ही मिलता है। धन्यवाद।